नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी का महत्व, इसमें क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें देनी चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूं। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी पूरे साल में 24 एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन निर्जला व्रत करके विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, आर्थिक तंगी दूर होती है और नौकरी कारोबार में भी उन्नति होती है। अब मैं आपको निर्जला एकादशी के दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी वास करेंगी। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में दूध मिश्रित जल चढ़ाने से धूप जलाकर विधिवत पीपल की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन्य और धान्य में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी घर पे वास करती है। निर्जला एकादशी में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में कोड़ी का उपयोग करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 कोड़ियों को 7 हल्दी के गांठों में 1 कपड़े में लपेटकर मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा करने के बाद कपड़े समेत सभी सामग्री के साथ अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होने लगेगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इसी के साथ आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद ही प्रिय होती है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत हो जाना चाहिए। उसके बाद तुलसी के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। निर्जला एकादशी पर जल का दान महादान के समान माना जाता है। इस अवसर पर कुछ लोग प्याऊ लगवाकर जन सेवा करते हैं। इसके साथ साथ आप मंदिर में शरबत वितरण भी करवा सकते हैं। इस उपाय से जहां मां लक्ष्मी और विष्णु प्रसन्न होते हैं, वहीं आपकी कुंडली में चंद्र दोष भी दूर हो जाता है। अब मैं आपको निर्जला एकादशी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। निर्जला एकादशी के दिन हमें निर्जला व्रत करना चाहिए, अर्थात हमें अन्न और जल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी में पानी पीना भी वर्जित माना जाता है। निर्जला एकादशी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए हमें दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावल को ना ही घर में पकाना चाहिए, ना ही खाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, लेकिन हम जो भी भगवान के लिए भोग में प्रसाद बनाते हैं, उसमें तुलसी डालना जरूरी होता है, इसलिए हमें तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर अपने पास रख लेनी चाहिए। अब मैं आपको निर्जला एकादशी का मुहूर्त के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी तिथि की शुरुआत 30 मई मंगलवार दोपहर 1:07 से होगी, वहीं समापन की तिथि 31 मई बुधवार दोपहर 1:45 पर होगी। इसी प्रकार एकादशी व्रत 31 मई बुधवार को रखा जाएगा और व्रत की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 8:51 तक रहेगा। निर्जला एकादशी में व्रत का पारना का बहुत ही महत्व माना जाता है। व्रत के पारना का समय 1 जून गुरुवार को सुबह 5:24 से 8:10 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारना हमेशा द्वादशी के दिन ही किया जाता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर